तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरिता कैंतुरा में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ घर की चीजें शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे जो हूँ फनी और कॉमेडी रील्स अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरी वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास ये दो बॉक्स हैं और इन बॉक्स का बनाऊंगी मैं मिनी सोफा। तो प्लीज आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में भी जरूर बताना। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, पहले झाड़ू लगा दिया था, अब लगा रही हूँ मैं पोचा। और यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके इन बॉक्स को मैं फिर यहाँ पे अच्छे से लगाऊंगी। तो देखिए आप, तो पोचा लगाने के तुरंत बाद मैंने बॉक्स नहीं रखे हैं, मैंने 3-4 मिनट बाद रखे, थोड़ा यहाँ पे ड्राई होने दिया, फिर जाके मैंने यहाँ पे बॉक्स रखे। और ये देखिए, बॉक्स के नीचे भी थोड़ा बहुत धूल थी, मैंने वो भी साफ कर दी अच्छे से। अभी देखिए, मैंने दोनों बॉक्स लगा दिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए आप, मेरे पास है ये गद्दा जो कि बहुत कम यूज होता है, तो मैं इसको लंबाई में जो हूँ दोनों तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से यहाँ पे बिछा दूंगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरे पास एक मेहरून कलर का मैट जो कि बहुत प्यारा है और हल्का भी है ये, तो ये मेरे ज्यादातर वैसे पूजा के टाइम काम आता है, इसको मैं पूजा के टाइम बिछाती हूँ ज्यादातर नीचे। तो ये देखिए, पहले मैं इसको फोल्ड करके बिछा रही थी, पर फिर ये फोल्ड करके पूरा सही से नहीं बैठ रहा था, तो तब मैंने इसको सिंगल उसमें ही बिछा दिया। और ये मैट मैंने बिछा दिया पूरा सही से। और फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक ब्लू कलर का कारपेट जो कि मैं इसको यहाँ पे नीचे पे बिछाऊंगी। और ये कारपेट और ये मैट का, ये दोनों का कलर का जो कॉम्बिनेशन है, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। तो अभी इसका फाइनल लुक तैयार होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कारपेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं हमें घर के लिए कैसे कारपेट लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, कौन से कलर बेस्ट रहते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, क्योंकि जो है मैंने काफी कारपेट यूज किए हुए हैं तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ इनके बारे में। तो ये हो गया है फाइनल लुक तैयार। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। और आप भी अपने घर में जो है पुराने जो बॉक्स रहते हैं उनको इसी तरह से कुछ भी करके यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इनको वैसे ही रखते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो हम इनको इस तरीके से अगर यूज करें तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, बेस्ट लगते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।